Dr. Archana is a senior geriatrician practicing in US, and now she will deliver a talk on cardiovascular diseases in old population. Cardiovascular disease in older adults. Adults, sir. Okay. Please go ahead. Yes. May I welcome Dr. Dinesh Sharma? Dr. Archana, I'm just holding you back. Our great friend and very senior minister and former deputy chief minister of Uttar Pradesh, Dr. Dinesh Sharma, is online, live. Can you hear us, Doctor? Can you hear me? इनकी आवाज नहीं आ रही. देखो यश. नमस्कार डॉक्टर साहब. हाँ नमस्कार. अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मेरा फोटो आया. बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है और आपकी चित्र भी अच्छा दिखाई दे रहा है. आप, मैं अभी इस समय हम लोग का एक सेशन चल रहा है अमेरिका से, तो आप भी हम चाहें तो रोक के आपका अभिभाषण ले सकते हैं 5-10 मिनट का. जरूर जरूर जरूर. तो डॉक्टर अर्चना, प्लीज लिसन टू आवर very senior political leader from BJP from Uttar Pradesh and having a pan India presence, Dr. Mr. Dinesh Sharma ji. Dhanyawad, Professor Dr. B.B. Gupta ji. Mujhe prasannta hai is baat ki ki aaj aapke dwara itne vrihat star pe Indo-European course on revascularization और इंडो अमेरिकन एंड यूरोपियन कॉन्क्लेव के नाम से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है. मैं आप सभी जो पार्टिसिपेंट हैं, जो प्रतिभागीगण हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं. मेरे संज्ञान में यह आया है कि यह सम्मेलन पिछले 14 वर्षों से चल रहा है और इस सम्मेलन में 18 संस्करण भारत और विदेशों में इसके पहले हो चुके हैं. पहला सम्मेलन आपका 2008 में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, जिसकी काफी चर्चा भी रही, जिसके निकले हुए कंक्लूजन आपके कॉन्क्लेव के जो आपका एक चिकित्सा के संदर्भ में जो आपका मंथन था, उससे पूरा देश नहीं, पूरे विश्व के कई देश इससे लाभान्वित हुए थे. लंदन, पेरिस, रोम और ज्यूरिक में ये आपके अलग अलग बाद में सम्मेलन आयोजित हुए. मुझे जानकर ये खुशी हुई है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत प्रतीक्षित और बहुत प्रतिष्ठित एक शिक्षित कार्यक्रम के रूप में मैं इसे देखता हूँ कि ये भारत और अन्य देशों के हृदय रोग जो विशेषज्ञ हैं, जो चिकित्सक हैं, उनके ज्ञान संवर्धन का ये काम आपका निश्चित रूप में ये सम्मेलन करेगा. मुझे ये आज कहना पड़ रहा है कि हृदय रोग विश्व स्तर पर बढ़ रहा है पहले की अपेक्षा, और विगत अगर 2 वर्षों का हम तुलना करें तो आफ्टर कोविड ये इसका विस्तार बहुत तेजी के साथ में हुआ है. भारत में विशेष तौर से युवा आबादी और कि में इसका प्रचलन पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ गया है. हमने देखा है कि जो हाल के दिनों में तमाम जगहों पर कि रामलीला कर रहे हैं, उनको दौरा पड़ गया, वो किसी प्रकार के किसी पार्टी में डांस कर रहे हैं, दौरा पड़ गया. इतना बड़ा कलाकार राजू श्रीवास्तव एक्सरसाइज कर रहे हैं और दौरा पड़ गया, और इलाज खोजने के पहले ही कि इनका इलाज हो सके उनको कोई बचाया नहीं जा सका. इसके लिए जरूरी यह है कि हम सबसे अच्छा इलाज
खोजने की आज जरूरत है कि हम प्रिकॉशन ले सके, हम जीवन को बचा सके। और हृदय रोग की रोकथाम के लिए हम जानना चाहेंगे कि जो हृदय से संबंधित रुग्णता है और जो मृत्यु दर कम हो सके, इसके लिए हमें पहले से क्या करना होगा। एक तो ये हुआ कि हृदय रोग हमें हुआ, दौरा पड़ा, इसका हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद इलाज हुआ। एक ये है कि पहले हम जो बीमारी है उसके पहले ही हम किस प्रकार से उसका निवारण के उपाय खोज सके, ये भी मैं समझता हूँ कि चिंतन के एक महत्वपूर्ण विषय ये बन सकता है। इस समय हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ गई कि आज के ही समाचार पत्र में मैं देख रहा था कि 6-7 दिनों की लाइन लगी हुई है चाइना में जो कोविड से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, और वो लोग का लाश नहीं जला सकते, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए 6-7 दिन का उनको वेटिंग करना पड़ रहा है। और ये जो चीन में कोरोना का वायरस फैला है, ये धीरे धीरे यूरोपीय देशों में भी कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से जो आपकी संगोष्ठी का जो जिस्ट है, वो इस बात की वो जरूर इंगित करेगा कि हम सबको सावधान रहना चाहिए और एक अच्छा और उचित कोविड व्यवहार कैसे हम कर सकें, इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। मैं एक बार फिर से इंडो अमेरिकन एंड यूरोपियन कॉन्क्लेव के आयोजन को बधाई देता हूं कि बड़े समसामयिक समय पर आपने इस प्रकार का चिंतन किया है। और आज भारत ने कोविड की वैक्सीन का इजाद करके मैं समझता हूं कि काफी कुछ जो भारतवर्ष में रोकथाम है कोविड की, उसको करने में हम सफल बने हैं। लेकिन आफ्टर कोविड जो इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, मैं समझता हूं उसमें भी हमको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, खासतौर से कोविड के संबंध में। मैं चाहूंगा कि जब आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समाप्त हो तो आपकी एक सरल शब्दों में गाइडलाइन अवश्य प्रकाशित हो कि हमें योग की क्रियाओं में कौन सी योग क्रियाएं करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज कितना करना चाहिए, हमें कौन सी दवाओं का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए, कौन सी दवाओं को हमें समय पर अपने पास में रखना चाहिए, किस प्रकार के कौन से टेस्ट हमको अभी से कराने की आवश्यकता पड़ेगी, क्या हमको जो प्रिकॉशन जो हम जो कोविड का टीका लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं, उसकी डोज ले रहे हैं, तो उसमें हमें किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को लेने की आवश्यकता है, ये सारी चीजें भी अगर आपके उससे रिलेटेड हो कोविड के इम्पैक्ट के बाद या हार्ट अटैक की सामान्य प्रक्रिया में, क्योंकि युवाओं में जिस प्रकार से जिस दर में तेजी के साथ बढ़ा है, मैं समझता हूँ उसका एक कारण खान पान भी हो सकता है, एक कारण रहन सहन भी हो सकता है, एक कारण शारीरिक श्रम न करने की वजह भी हो सकती है, एक कारण मानसिक तनाव की वजह भी हो सकती है। वजह क्या होगा, निवारण क्या होगा, उपाय क्या होगा, समाधान की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे, और अंततोगत्वा चिकित्सा के प्रारूप कौन से होंगे, हम किन नई दवाओं को इजाद करके, किन नए टेस्ट को इजाद करके, इन सारी चीजों पर हम अपना एक अंकुश बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये एक आपके इस महासम्मेलन को मैं इसकी गणना करूंगा, क्योंकि इस पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को हम मिनी भारत कहते हैं, और इस मिनी भारत में आप लोगों के द्वारा, मैंने कोविड में खासतौर से प्रोफेसर गुप्ता आपका जो योगदान था कि आपसे हजारों सैकड़ों लोग फोन पे कांटेक्ट करते थे, आपके टिप्स आते थे, आपके वीडियो क्लिप्स आते थे और उनको आप सलाह देते थे, मैं समझता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से भी और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से भी आपकी कॉन्फ्रेंस के बाद एक आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से आपके जो टिप्स हैं, छोटे छोटे शब्दों में एक एक दो दो लाइन के जो टिप्स हैं इस हार्ट अटैक या इसको कहें हृदय घात से रोकने के उपायों के रूप में, वो उभर कर जरूर सामने आएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सबने बड़ा अथक प्रयत्न किए, और मैं जब डिप्टी सीएम के तौर पे मैंने आपके उपयोगिताओं को देखा है, पुनः मैं कोटि सा धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम
एक सहभागी के रूप में मुझे आपने स्वीकारा, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, सबको मेरा नमन और वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, जो 5 मिनट के अभिभाषण में जो हमको सुनने को मिला, बहुत ही इसमें ये कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया आपने। और ये बात बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है कि हार्ट अटैक के केसेस, एंजाइना के केसेस बढ़े हैं। ये हमारी हाइब्रिड मीटिंग है, इसमें कुछ लोग बांग्लादेश से जुड़े हैं, कुछ लोग भारत से जुड़े हैं, कुछ लोग वर्चुअली, करीब एक क्लर्नेट एक माध्यम है जिसमें 2.5 लाख डॉक्टर्स को इनको जोड़ा जा रहा है और कुछ आगे तक जोड़ते रहेंगे। फेसबुक पे लाइव है ये और यूट्यूब पे भी लाइव है सर। तो आपकी जो एक चिंता जो दिखाई है, आप बहुत ही सीनियर लीडर हैं और आपका गहन जो चिंता है इस बात को लेकर कि हम लोग पोस्ट कोविड जो हार्ट अटैक हो रहा है, पोस्ट कोविड मायोकार्डिटिस हो रही है, पोस्ट कोविड सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, या ये पहले भी होते थे या कोविड की वजह से भी है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसका मैं सरल शब्दों में जवाब देना चाहूँगा कि हमने एक रिसर्च स्टडी आई है जो देखा गया है कि स्पाइक प्रोटीन जो होती है वायरस पे, कोविड वायरस पे, वो उसको एक्टिवेट हो जाता है तो इट कैन लीड टू प्लाक रप्चर। प्लाक रप्चर का मतलब है हार्ट के अंदर एक नस के अंदर 20% ब्लॉकेज है, उसको एंजाइना नहीं हो रहा है और रप्चर होता है तो खून का थक्का जम जाता है और क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है, यंग पेशेंट हो चाहे एल्डरली हो। तो अभी 27 साल के, 32 साल के, 40 साल के, 35 साल के कई लोगों को, अगर ये बड़ा हृदयाघात हुआ और कई बार वो कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हो सकता है मायोकार्डाइटिस, यानी कि हार्ट की मांसपेशियों में सूजन या वायरल इफेक्ट, तो उसमें एरिथमियाज कैन ऑल्सो बी प्रेसिपिटेटेड इन दोज पेशेंट्स। तो दो बातें आती हैं कि क्या करा जाए। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगा वो है रेगुलर फॉलोअप और रेगुलर चेकअप होता रहना चाहिए, विच शुड इंक्लूड इन ए पेशेंट जो प्री डिस्पोज्ड हैं, खास करके जिनके फादर या मदर को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करा लें। अदर देन दैट, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कुछ दवाइयाँ का सेवन पोस्ट वैक्सीनेशन या पोस्ट कोविड केस में, जिसमें एस्पिरिन तो बहुत सिंपल दवा है, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो मेरे ख्याल से एस्पिरिन और ये कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा होती है स्टैटिन, एटोरवास्टैटिन और रोजोवास्टैटिन, इनका सेवन मेरे ख्याल से रेगुलर करना चाहिए हाई रिस्क पॉपुलेशन में, क्योंकि दोनों ही क्लॉट बनने से रोकता है और प्लाक रप्चर को रोकता है। तीसरी बात है कि हमारे फादर की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है अश्वगंधा, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर भी है, उनको 1986 में अभी जो वैलिडिक्टी फंक्शन फिर शुरू होगा तो उसमें फादर बोलेंगे भी, जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज में रहते हुए 1986 में एक पर्चा छापा था उन्होंने, जिसमें उन्होंने देखा था माइस में इन्होंने एक्टिविटी दी, और ये अश्वगंधा जो विदानिया सोमनीफेरा है, इसका एक्चुअली हर्ब होती है अश्वगंधा विदानिया सोमनीफेरा, ये जो होता है इसकी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी और इम्यूनिटी बूस्टर एक्टिविटी पहली बार प्रकाशित की उन्होंने इंटरनेशनल जर्नल में। वो आज भी अगर गूगल साइटेशन अश्वगंधा का देखते हैं तो उनका नाम पहले आता है कि 1986 में रिसर्च की। तो इसका सेवन करने में कोई बुराई नहीं है जब तक हम लोग कोविड की महामारी से लड़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे बताना चाहूँगा, चौथी बात, ये सब अगर अभी रिकॉर्ड हो रहा है दिस कैन गो टू द प्रेस ऑल्सो, वो ये है कि जब आपने राजू श्रीवास्तव जी का नाम लिया, हमारे बड़े उत्तर प्रदेश से थे, आपसे कई बार मुलाकात आपकी भी हुई होगी, वो आपको बहुत चाहते भी थे, एक दो बार आपका जिक्र भी किया उन्होंने, और उत्तर प्रदेश में फिल्म बंधु के वो चेयरमैन भी थे, वो हमारे घर में उन्होंने सर 7 अगस्त को खाना खाया, शायद ये बात आपको मैं उनका वीडियो दिखाऊंगा, और 10 अगस्त को उनका दिल का दौरा पड़ा है। अब ये 7 अगस्त और 7 अगस्त को उन्होंने गाने गाए, कॉमेडी की, हमारे घर पे एक छोटा सा प्रोग्राम था, हमारे सत्यनारायण की कथा हुई थी, तो मैंने उन्होंने कहा, उनका फ़ोन आया कि मैं दिल्ली में हूँ, तो हमने ऐसे कहा कि आप घर में खाना खाने आइए, कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं था, तो वो बेचारे हमेशा ऐसे आ जाते थे हमारे घर में अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, 8 लोग आए थे टोटल। उस दिन मैंने पूछा था उनसे, चूँकि उनको पहले से हार्ट पेशेंट थे, शायद सब पब्लिक को नहीं पता, उनके 6-7 स्टेंट लगे हुए थे, 7, तो मैंने ऐसे कान में पूछा कि क्या आपका सब ठीक चल रहा है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अभी नहीं, बाद में बताएंगे, तो ही वॉज ट्राइंग टू पोस्टपोन दैट पेशेंट। अब अगर किसी को 7 पेशेंट स्टेंट लगे हैं और उनकी वाइफ से बाद में पता लगा, उस दिन तो नहीं पता लगा जब उनको हार्ट अटैक हो गया, बेहोश हो गए, तो उनकी वाइफ ने बताया कि डॉक्टर साहब दवा आप ही खा रहे थे और इनके थोड़े दिन पहले छाती में दर्द हुआ था, इन्होंने इग्नोर किया। तो इससे बस दो बातें सीखने को मिलती हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको कम से कम इतना यंग मत सोचिए कि आप जिम करें, इतना यंग मत सोचिए। वो करते थे, फिटनेस फ्रीक थे, दुबले पतना रहना चाहते थे, उनको शो करने पड़ते थे, उनको दौड़ना पड़ता था, उनको एक्टिविटी मेंटेन करनी पड़ती थी, तो वो जिम बहुत करते थे। जिम शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एनी पेशेंट ऑफ हार्ट, चाहे 1 स्टेंट लगे हो चाहे 7 लगे हो, नंबर वन। दूसरी बातें आती है कि कभी भी कोई सिम्टम इग्नोर ना करें, हल्का सा भी छाती में दर्द हुआ अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं भी हैं तो भी आप सलाह लें। तीसरी बात आती है, उन्होंने 2 साल से दवा मेरी खा रहे थे, कोई चेकअप नहीं कराया मुझसे, बॉम्बे में भी चेकअप देखा उनके सारे पर्चे,
डायबिटीज़, मैं ये सिखाने के लिए बता रहा हूँ, केवल डायबिटीज़ के डॉक्टर दिखाते थे, हार्ट को दिखाते नहीं थे। तो वन शुड नॉट टेक इट लाइटली, एनी हार्ट पेशेंट स्पेशली इन कोविड टाइम, हार्ट पेशेंट और नॉट हार्ट पेशेंट, फैमिली हिस्ट्री, उसको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। इसी से हम बच सकते हैं। जैसे ये डांस करते करते हुए केके को भी हार्ट पिक प्रॉब्लम पहले से थी, जिनकी डेथ हुई वो गाना गाते गाते। तो इन सब को हमको सीखना ये पड़ेगा। जब सेलिब्रिटी की मृत्यु होती है तो ये वाइडली चर्चित हो जाती है अखबारों में और मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इससे आम पब्लिक को फ़ायदा ये होता है कि कम से कम कुछ सीखने को मिलता है। आपके अभिभाषण से हमें सीखने को हमें जो मिला कि इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज के जो भाषण है, अमित मुंजाल हमारे साथ हिसार के आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, डॉक्टर एस एन पाठक अपोलो से बैठे हैं, तो इसका एक छोटा सा प्रेस ब्रीफ बना के वी कैन गिव इट टू द प्रेस, स्पेशली द हाईलाइटिंग पॉइंट व्हाट अदर पीपल स्पोक। तो इससे आपको, हमें हर चीज़, एवरी डे इज़ लर्निंग। तो आपको ये हमको सीखने को मिला कि केवल ये यूट्यूब या फेसबुक पर ना रह जाए, इट शुड ऑल्सो गो टू द प्रिंट मीडिया। और एक यूट्यूब अलग से बना लेंगे या फेसबुक, हम लोग तीन लोग चार लोग बैठ के कल ऑनलाइन, जो इसके केवल सारांश को, समरी को 15 मिनट में समराइज कर देंगे कि व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग दिस मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अभी हमारे एक लेक्चर बाकी है वहाँ से, अमेरिका से, उसके बाद